ना जो बिल है उस पर बात करो, आप बिल पे बात करो ना, गन्ना भुगतान पे बात करो। ये कौन सी लैंग्वेज आप लोगों ने पकड़ रखी भाई, आप उस पर बात करो। टिकैत जी वकील बन गया तो बात करो। मैं सवाल करता हूँ आपसे, वो है कौन? राकेश जी पहले कौन है कनाडा का वो मंत्री जो हमारे देश में आके पॉलिटिक्स कर रहा है? आज ईमानदारी से बताइए, लाल किले पे कोई आज ईमानदारी से बताइए, आज हम 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुनो ठीक है, एक सवाल, 35 साल से आंदोलन करते हैं भाई, ये दे देंगे ना, अरे जो सरकार है जिनकी है, जवाब ले लेंगे मेरे से, आप क्यों उनके वकील बनो। देश में किसान आंदोलन अभी भी जारी है, किसी न किसी माध्यम से किसानों की आवाज जनता तक पहुंच रही है। इसी बीच एक नाम काफी सुर्खियां बटोर रहा है और वो है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत एक किसान नेता हैं जो किसानों के हक में लगातार आवाज उठा रहे हैं और कृषि कानूनों को लेकर सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिसमें राकेश टिकैत गोदी मीडिया के पत्रकारों को टोकते नजर आए। आज तक पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर बात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप ने राकेश टिकैत से पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल किए, जिस पर राकेश टिकैत जवाब देने लगे, पर अंजना ने उन्हें सवालों में घेरने की कोशिश की, पर राकेश टिकैत ने ऐसा होने नहीं दिया। महिला कांस्टेबल टिकैत साहब, महिला कांस्टेबल पर एक बार सुन तो लीजिए सर, गुस्सा मत कीजिए, सवाल सुनिए। कोई आदमी गुंडागर्दी करेगा कोई नहीं हो सकता हमारा। महिला कांस्टेबल्स पर जाल से, भाले से, तलवार से वो हमला कर रहे थे, कौन इसकी भरपाई करेगा? 1995 में आप भी तो दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे। पुलिस वाले हमारे ही परिवार के हैं वे, पुलिस वाले हमारे ही भाई वे, वहाँ तक आने कैसे दिया गया उनको? टिकैत साहब इसकी जांच होगी। टिकैत साहब ये आज ईमानदारी से बताइए, लाल किले पे कोई आज ईमानदारी से बताइए, आज हम 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुनो ठीक है, एक हम 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुन लो ठीक है, सुन लो, मैं यही कह रहा हूँ, ये देश सुने, कम से कम चैनल दिखाएगा तो हमको। मैं ये कह रहा हूँ हम 35 साल से यहाँ पे आते हैं दिल्ली में आंदोलन करने, हम जब भी गांव में कहते हैं, हम कहते हैं पार्लियामेंट में जाएंगे हम। इस इंटरव्यू में एंकर मानक गुप्ता ने राकेश टिकैत से किसानों द्वारा चक्का जाम को लेकर सवाल किए और इसी बीच उन्होंने हिंसा का भी जिक्र किया, जिस पर टिकैत ने मानक के सवालों का करारा जवाब दिया। और बाकी जगह जहां जहां ये आंदोलन होगा ये चक्का जाम का, वहां वहां हिंसा तो नहीं होगी? 26 जनवरी की तरह अराजकता तो नहीं होगी टिकैत साहब? नहीं नहीं वो नहीं होगी, वो नहीं है, कुछ नहीं है हमारा कोई उसका प्रोग्राम, हमको हिंसा करने वाले लोग लग रहे हैं। ये शब्द कहां से आया भाई, क्यों इसका इस्तेमाल करते हो? नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करेंगे, मैं ये कह रहा हूं आपका जो चक्का जाम है आप उस पे करो ना, जो बिल है उस पे बात करो, आप बिल पे बात करो ना, गन्ना भुगतान पे बात करो। ये कौन सी लैंग्वेज आप लोगों ने पकड़ रखी भाई, आप उस पे बात करो कि सरकार वो नहीं कर रही, हिंसा कहां से आ गया शब्द? ये कौन हिंसा करेगा? हिंसा करेगा उसका इलाज करेंगे हम, हिंसा करेंगे? अरे 3 लाख ट्रैक्टर आए, 20 लाख आदमी दिल्ली में आए, कहीं की हिंसा होगी? अरे हमारा स्टैंड है, कहां संयुक्त मोर्चे ने, उसने कौन वे कर रहे हैं? हमको नहीं यहाँ पे करना है, संयुक्त मोर्चा सब साथ में है, 1 लाख आदमी 2 घंटे में फिर दिल्ली में आ जाएगा। न्यूज 18 पर ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रमेश देवगन सरकार और किसानों के बीच मीटिंग को लेकर तीखे सवाल करते नजर आए। जब बार बार रमेश राकेश टिकैत के जवाब देने में टोकने लगे तो राकेश ने रमेश को ऐसा करने पर सुना दिया। जब MSP पे कानून बन जाए और 3 बिल वापसी हो जाए, जब आपकी समझ में आ जाएगी, जब सरकार बात कर ले, हमें तो जरूरत है नहीं बात करने की, हम दिल्ली को दिल्ली में ही रहेंगे, दिल्ली के बाहर रहेंगे, दिल्ली के बाहर बैठेंगे, जहाँ पे आंदोलन चल रहा था वही आंदोलन चलेगा। हमारे पास में नेता भी हैं, हमारे पास में बातचीत करने के तर्क भी हैं। MSP पे कानून बने, आपके पास नहीं है? इससे पहले MSP पे कानून को लेकर कब कब आंदोलन हुआ है देश में? बहुत MSP को कानून का जवाब पहुंचाने के लिए कब कब आंदोलन हुआ है? ठीक है सब देश में हाँ हाँ हुए है ना भाई, भाई जिसने कानून पे उसमें बात नहीं करी वो सरकार चली गई ना। सर मैं काम नहीं, मैं तो सरकारों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। आपने MSP को, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, किसान संगठनों ने MSP को कानून का जामा पहुंचाने के लिए इससे पहले कब आंदोलन किया भाई? ये दे देंगे ना, अरे जो सरकार है जिनकी है, जवाब ले लगे मेरे से, आप क्यों उनके वकील बनो? ये किसान नहीं जाएगा यहाँ से? नहीं 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 मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, आंदोलन हो रहा है ना, अब जवाब दे दो। रिपब्लिक भारत पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अर्णब गोस्वामी किसान आंदोलन में फंडिंग को लेकर सवाल करते नजर आए। जब टिकैत जवाब देने लगे तो अर्णब बीच में टोकने लगे, बार बार ऐसा करने पर टिकैत ने अर्णब को सुना दिया।
पूछता है भारत, बताइए राकेश टिकैत जी, देखिए नरेंद्र मोदी से मैं बता रहा हूँ सीधी लड़ाई में मुंह के खाते हैं ये लोग, नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई में मुंह के खाते हैं ये लोग। तो नहीं, मुझे बताइए किसान नेता, कनाडा का नेता इधर कैसे आया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, सुन तो बताइए मुझे, वो है कौन टिकैत जी? वकील बन गया तो बात, मैं सवाल करता हूँ आपसे, वो है कौन राकेश जी? पहले कौन है कनाडा का वो मंत्री जो हमारे देश में आके पॉलिटिक्स कर रहा है, खुलेआम पूछता है भारत? हाँ जी, अच्छा सुनो राकेश जी, बताऊंगा तो बीमारी है, मैं बोल लूँ पहले? अब सुन लो बात, देखो देश के देश के प्रधानमंत्री को बीमारी किसको? मैं बीमारी नहीं टिकैत जी, आदत, आदत नहीं नहीं एक राकेश जी जरा सुन तो लीजिए ना, एक अरे बीमारी आदत थोड़ा होता है, अब बीमारी एक मिनट सुन चुको। मीडिया ज्यादातर सवाल विपक्ष के नेताओं से ही करता है, इस कारण वे मीडिया का सरकार की तरफ झुकाव देखकर टोक भी देते हैं। अगर मीडिया ऐसा आगे भी करता रहेगा तो जवाब भी ऐसे ही करारे मिलते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।